Hey guys, this is Jassi, faculty of English. Welcome once again to our channel GOODLUCK Institute. आज के हम अपने इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ एज मच एज और एज मैनी एज. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एज मच एज और एज मैनी एज का यूज होगा कहां कहां. जैसे आपने सेंटेंसेस सुने होंगे, लोग बात करते हैं कि जब भी किसी की तुलना की बात की जाती है, किसी से हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पर हमारा एज मच एज या एज मैनी एज का इस्तेमाल किया जाएगा. एज मच जिसका मतलब हमारा जितना होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल होता है. अनकाउंटेबल जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते. जैसे मैंने बोला, जितना पानी, जितना प्यार, जितना नमक, जितना दिमाग, इन सब चीजों को हम गिन नहीं सकते, तो हमारा वहां पर एज मच का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर हमारे पास चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं कंपैरिजन के अंदर, जैसे एज मैनी का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब हमारा जितना होगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जितने लोग, जितनी वीडियोज, जितनी किताबें, इन सब चीजों को हम गिन सकते हैं, तो वहां पर हमेशा हम क्या लगाएंगे, एज मैनी. और इनके बाद जो हमारा एज लगता है, तो इनका मतलब हो जाता है उतना. तो एज मच या एज मैनी का मतलब हुआ हमारा जितना, और एज का मतलब हो गया हमारा उतना. इसको हम यूज करेंगे उसके एक फॉर्मूला के साथ. फॉर्मूला है हमारा, कोई भी हमारा सेंटेंस होगा, उस पहले सेंटेंस को हम प्रॉपर निकाल के बनाएंगे, फिर उसके बाद उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा उसमें एज मच लगेगा अगर वो अनकाउंटेबल है, एज मैनी लगेगा अगर वो काउंटेबल है. तो उसके बाद हमने एज लगाना है, फिर जो भी उस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट आप लिखेंगे, और उस सब्जेक्ट के बाद आपका उसमें वर्ब लगेगा या हेल्पिंग वर्ब लगे, खत्म हो जाएगा, वो आपको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेक करना है. एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, आप जितनी चाहे उतनी बार ये वीडियो देख सकते हैं. अब इसको हम बनाएंगे कैसे. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस पोर्शन को यहां से हटा दिया, जितनी चाहे उतनी बार. अब हमारे पास क्या बच गया, आप ये वीडियो देख सकते हैं. तो हमने क्या बनाया, यू कैन वॉच दिस वीडियो. फाइन, सकता है, सकती है, हमारा कैन लग गया, उसके हिसाब से हमने प्रॉपरली सेंटेंस बना दिया. अब हमारा बच गया जितनी चाहे उतनी बार. अब हम बात कर रहे हैं वीडियो को, वीडियो को हम काउंट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर लगा दिया एज मैनी टाइम्स, जितनी बार के लिए हो गया हमारे यहां पे टाइम्स, एज मैनी टाइम्स. फिर वहां हमारा क्या लगना चाहिए, एज. अब सब्जेक्ट कौन है, किसकी हम बात कर रहे हैं, यू, यू. अब इसमें हमारी वर्ब लगेगी चाहे, चाहना मतलब हो गया हमारा लाइक, या हमने यहां पर विश कर दिया, एज यू विश या एज यू लाइक. इस तरीके से हम सेंटेंस को प्रॉपर बनाएंगे. और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने बोला, ही डजंट हैव एज मच टाइम, यानी उसके पास समय नहीं है उतना जितना एज वी हैव. ठीक है, हमने फिर वही फॉर्मूला लगा दिया, हमने पहले हमने अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूरा बना दिया, ही डजंट हैव एज मच टाइम. अब यहाँ पे अपने मच का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि टाइम को हम गिन नहीं सकते, तो हमारे यहाँ पर ये मच आ गया, उसके पास उतना समय नहीं है जितना हमारे पास है. तो जैसे कि आपने देखा इस एग्जांपल के अंदर, हमने क्या किया, हमने अपने इस फॉर्मूले को फॉलो किया, और उसके हिसाब से हमने अपनी टोटल जितने भी सेंटेंसेस थे हमने यहाँ पर बनाए हैं. एक और बहुत जरूरी बात, कभी भी अगर आप पैसों की बात करते हैं, तो हमेशा आपको मच का यूज करना है. जैसे हमने बोला जितने पैसे, तो यहाँ पे आ गया एज मच मनी. ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं आराम से, फिर हमने यहाँ पर इसको एज मच क्यों लिखा. हम इंडियन करेंसी को हमेशा अनकाउंटेबल मानते हैं. जैसे आपने एग्जांपल सुने होंगे, अगर आपसे आपको किसी चीज का रेट पूछना, तो आप पूछते हैं हाउ मच, यानी कितने का है. अगर आप किसी मनी की जगह अगर आप दूसरा वर्ड यूज करते हैं बल्क्स, बल्क्स का मतलब भी होता है पैसा, जो हम अधिकतर फॉरेन में सुनते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बग्स अगर आप यूज करते, तो आप यहां पे यूज करेंगे एज मैनी बग्स, जितने पैसे. तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मनी यूज कर रहे हैं तो आपको एज मच यूज करना है, अगर आप बग्स यूज करते हैं तो आपको एज मैनी यूज करना है. तो हमारी इस वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से अगर हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, कितना, उतना, जितना करके, तो हमें वहां पर एज मच एज और एज मैनी एज का यूज करना है. एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि एज मच एज जो होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, जिन चीजों की आप गिनती नहीं कर सकते हैं, और एज मैनी एज हमारा काउंटेबल होता है, जिन चीजों की आप आसानी से गिनती कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.